दोस्ती का रिश्ता इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है और इसी रिश्ते को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी है। लेकिन आज के कलयुग के दौर में लोग दोस्ती की परवाह नहीं करते और ऐसे रिश्तों का कत्ल कर डालते हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत से सामने आया, जहां गांव गाजबड़ में शराब पार्टी के बाद एक दोस्त ने अपने ही दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक झारखंड और बिहार के रहने वाले तीन दोस्त पेप्सी स्टोर पर नौकरी किया करते थे और एक साथ गांव गाजबड़ में किराए के कमरे पर रहते थे, जहां एक दोस्त दोपहर 2 बजे फैक्ट्री में नौकरी पर चला गया और बाकी बचे दो दोस्तों ने कमरे पर शराब पार्टी की। लेकिन बंद कमरे के अंदर दोनों दोस्तों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट ही उतार दिया। देखे कुंडी खोले, देखे कि कुंडी खोल से लैपटॉप है, वहाँ से हम भाग के अपना बंदा पास चले गए। फिर बोला के लेकर फोन लगवाए, जोनी अंकल फोन लगाए अपना बंदा से मोबाइल से, तो पुलिस आए, तो फिर पुलिस ये सब जांच पड़ताल करे। चोट कहाँ लगी, मारा हुई थी? माथे पर लगल था, यहाँ पर दो तीन ठिया था, गांव था, पूरा खून खून था रूम। अच्छा, जिन लड़कों पे आरोप है वो कौन है, वो जिनके ऊपर आरोप है कि उसने मारा, वो कहाँ के है, वो कौन है? वो तो एक ही गांव का दोनों है। अच्छा, एक ही गांव का, तो फरार है वो? हाँ फरार है वो, आज तक रूम में नहीं था। तो जो 15 दिन पहले झगड़ा हुआ किस बात पे हुआ था, कुछ पता है? नहीं, 15 दिन पहले झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस बता रही है ना कि जो मरने वाले है कि उसका और जो मरने वाला है इनका कोई झगड़ा हुआ था, उसका समझौता हो गया था ऐसे? नहीं, हम तो नहीं देखे सर जी, हम ड्यूटी पर, उन्हें ड्यूटी जब वो नहीं करते थे, 5-6 दिन से सोते थे रूम पर, फिल्म देखते थे मोबाइल में बस। तो ये जो मारने वाले एक ही गांव के, इसी के कमरे पर रहते थे? हाँ हाँ, तीन बंदे। कब से रह रहा था ये? पानीपत में 2-3 महीना से। दो तीन महीना से जो दो आरोपी है मारने का, वो भी इनके साथ ही इसी कमरे पर थे? हाँ साथ है, दारू साथ पिए हैं, तो हम ड्यूटी आ गए थे 2 बजे। क्या नाम? आकाश कुमार। हत्या की सूचना उस समय मिली जब तीसरा दोस्त अपनी ड्यूटी पूरी कर रात करीब 11 बजे कमरे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि कमरे के बाहर की कुंडी बंद है और जैसे ही उसने कमरा खोला तो अंदर खून से लथपथ उसका दोस्त पड़ा हुआ था, जिसके बाद उल्टे पांव दौड़ा और पुलिस को हत्या मामले के बारे में जानकारी दी। देखिए, रात को करीब 1 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि गांव गांजबड़ में लड़के का कत्ल हो गया है। जिस सूचना पर हम अपनी टीम के साथ मौके पहुंचे, तो वहां देखा कि आसपास जब पता किया तो दो लड़के तो झारखंड के पलामू जिले के और एक लड़का यूपी का, तो बिहार का, वो तीनों लड़के एक कमरे में रहते थे जो इसमें पेप्सी में स्टोर में काम करते थे। उनमें से एक लड़का तो कल दोपहर बाद 2:30 बजे जो बिहार वाला था, कल दोपहर बाद 2:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला गया। वो जो झारखंड वाले दोनों लड़के थे वो कमरे पर रह गए। जो गांव वाले ने बताया है कि शाम को हमने 7 दारू पिए, 7-7 देखे थे, वो ड्रिंक करके खूब उन्होंने, फिर वो अपने रूम पर चले गए। रूम पे जाने के बाद जब वो लड़का जो दिन में अपनी फैक्ट्री में चला गया था बिहार वाला, जब वो करीब 11:30 बजे अपने कमरे पर आया, उसने देखा कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। उसने बाहर से कमरे की कुंडी खोल के अंदर देखा तो उन जो दो लड़के थे उसके रूममेट, उनमें से एक लड़का टिंकू नाम का, उम्र करीब 27 साल है उसकी, वो खून से लथपथ हालात में फर्श पे पड़ा था, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो वो लड़का उल्टे पांव एकदम दौड़ गया। उसी गांव में मरने वाले के गांव के भी और 2-3 लड़के किराए पर रहते हैं, वो दौड़ के उनके पास गया, तो उसने उनको बताया कि पिंकू के साथ ऐसे हो गया है। उन्होंने फिर अपने मकान मालिक को बताया, सब इकट्ठे हो गए। मकान मालिक ने फिर रात को पुलिस को इंटीमेशन दी, तो रात को ही फिर हमने फैसलिटी मौके बुलाई थी, अफसर भी, सीनियर अफसर भी मौके पे आए थे। तो जो लड़के ना जिसके ऊपर आरोप है कि वो लड़का रात से ही फरार है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, मरने वाले के बिल्कुल पास वाले गांव का लड़का है वो, तो उसकी मुकदमा दर्ज कर दिया हमने, तलाश की जा रही है। मर्डर लगे जाँच में आपकी भी? हाँ, ये क्लियर मर्डर है और हमने FIR भी 302 में ही की है और अभी टीमें गठित कर दी हैं, SP सर ने डायरेक्शन दी है, CIA को भी, थाने को भी टीमें गठित कर दी हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में और आगे क्या कार्रवाई करती है। हरियाणा आज के लिए पानीपत से रवि सूद की रिपोर्ट।